स्टूडेंट एंड टीचर, मेरा नाम हरिराम है। मैं जय बजरंग इंटर कॉलेज रामनगर अंबेडकर नगर का टीचर हूँ। बच्चों, आज मैं आपको जो है कीबोर्ड के बारे में बताएंगे, कीबोर्ड में कितनी बटन होती हैं उसके बारे में। कीबोर्ड सभी लोगों ने देखा है ना, लैब में देखा, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। देखिए, जब भी कंप्यूटर लैब में जाइए आप सब, सबसे पहले कीबोर्ड को देखना कौन से बटन कहाँ है, किस नाम से है। कीबोर्ड में जो है नीचे की तरफ से देखेंगे आप जो है, तो कंट्रोल बटन सबसे नीचे रहेगी। उसके बाद में विंडो बटन है, अल्टर है, उसके बाद एक बीच में बड़ी बटन, उसका नाम स्पेस बटन है। अब देखिए बटन का हम कार्य बताएंगे। जो आप जो है माउस से जो क्लिक करके खोलते थे एप्लीकेशन, वही एप्लीकेशन जो है आप कीबोर्ड से जैसे बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो है वो एप्लीकेशन खुल जाएगा आपकी स्क्रीन पे। अब देखिए बच्चों, जो नीचे जो है कंट्रोल बटन है, CTRL लिखा होगा पूरा नाम उसका है, विंडो है, विंडो का आइकन बना होगा। अब विंडो बटन से कितने एप्लीकेशन खुल सकते हैं उसका शॉर्ट कट हम बताएंगे। देखिए, ए से लेके जेड तक सभी अल्फाबेट है उसपे। आप सब भी देखिएगा आपने लैब में, साइड में दिखाइए, उस तरफ में दिखाइए, उस तरफ में। हाँ, बस देखिए जूम कर, यहाँ सबसे नीचे जो है कंट्रोल बटन है, CTRL लिखा होगा, बीच में विंडो बटन है और अल्टर बटन है, एक बड़ी सी बटन है, देखिए थोड़ा स्पेस बटन, थोड़ा बाहर निकल। हाँ, आपको दिख रहा है सर स्क्रीन में कैसे है, तो हाँ आपको वो क्लियर करना है। देखिए, ये देखिए विंडो बटन के आज हम पूरे कार्य बताएंगे, क्या क्या एप्लीकेशन खुल सकता है। ये देखिए विंडो बटन को जब प्रेस करेंगे उसके साथ आर बटन, तो आपका एक रन नाम का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें ओपन लिखा रहेगा। ओपन में जैसे आपको पेंट खोलना है सबसे, तो ओपन में आप MS पेंट लिख के ओके बटन या दबा देंगे या इंटर प्रेस करेंगे तो फिर पेंट आपका खुल जाएगा। एक एप्लीकेशन ये खुल गया। दूसरा बताते हैं, आप जैसे एक्सेल डाटाबेस है, एक्सेल खोलना है तो आप लिखेंगे EXCEL, जैसे इंटर बटन दबाएंगे आपका एक्सेल खुल जाएगा। और दूसरा है आपको वर्ड खोलना, MS वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, विन वर्ड WINWORD लिखेंगे, इंटर बटन दबाएंगे आपका वर्ड खुल जाएगा।